हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम पनीर खाते हैं बहुत ही अलग टेस्ट की रखती है, बहुत हमें पसंद आती है। तो आज हम उसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। तो रेस्टोरेंट वाले एक सीक्रेट को फॉलो करते हैं, तो वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत छोटा सा सीक्रेट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उस पर मैंने डाला है सरसों का तेल। आप इसे बटर में भी बना सकते हो। तो तड़के के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च 7 से 8 है, एक लाल मिर्च और एक छोटी इलायची है हरी वाली, 2 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेजपत्ता। फिर से हम डाल देते हैं, इसको हल्का सा तड़कने दें। इसी के साथ ही मैं डालूंगी प्याज। 4 प्याज को मैंने चॉपर से कट कर लिया है, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो। तो हम प्याज को डाल देते हैं। तो प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, इसका हल्का कलर चेंज हो जाए। पनीर को हम कट कर लेंगे पीसेस में। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है दोस्तों, तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। तो इसे हम कर लेंगे, जैसा भी पीस आपको पसंद है उस टाइप से हम कट कर लेंगे। पनीर हमारा कट हो चुका है, तो मैंने इतने से पनीर को बचा लिया है। इसका मैं क्या करूंगी आगे मैं बताऊंगी। तो मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। देख सकते हो प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से तरह भून चुका है। तो इसी के साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, बेसिक से मसाले। तो डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर जैसा आप तीखा पसंद करते हो, और 1 चम्मच ही धनिया का पाउडर। और इसके साथ ही जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच पानी, कि हमारा मसाला अच्छे से आपस में मिल सके। तो सबको हम मिला लेते हैं, मिला के इसे भी हम पका लेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। तो मसाला हमारा भून चुका है, इसके साथ ही हम डालेंगे 3 टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छी तरह भूनते हुए इसे भी पकाएंगे, अच्छे से चला के झट से हम इसे तेल रिलीज हो जाने तक इसे भी हम पका लेंगे। लेंगे एक मिक्सी का जार, और जो पनीर हमने बचा लिया था उसे हम रफली चॉप करके इस जार में डाल देंगे। यही सीक्रेट है दोस्तों, जो रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं इसी टाइप से फॉलो करते हैं, तो उनकी सब्जी हर सब्जियों से अलग लगती है। इसका हम हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे, तो सब्जी में बहुत अच्छे से रिचनेस आ जाती है और बहुत ही टेस्टी वाला स्वाद आता है। तो इस सीक्रेट को आप, यही मैंने बोला था कि एक सीक्रेट है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें, इससे सब्जी आपकी बहुत ही दमदार बनेगी। आप देख सकते हो तेल अच्छी तरह से चारों तरफ से सेपरेट हो रहा है। होने से एक बार और चला लेते हैं। टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसी के साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें। आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। इसे भी हम चला लेंगे, और जो ये हमने पनीर का पेस्ट तैयार करके रखा था ना, उसे हम डाल देंगे। एक बार ये जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, आपको जरूर फर्क समझ में आएगा रेसिपी में, बहुत ही ऑसम लगते हैं। इसे भी हम मिला लेंगे, साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच, छोटा चम्मच। तो हम सब मसाले को चलाते हुए ढक देंगे 1 मिनट के लिए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर देखिए आप, वाओ। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करोगे ना दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ सभी लोग घर में पूछेंगे जरूर कि आज आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे कट किया हुआ पनीर। तो पनीर को हम हल्के हाथों से चला लेते हैं, हमारा पनीर टूटे ना।
ये छोटी छोटी सी सीक्रेट है दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारी सब्जी बहुत ही टेम्पटिंग बनती है और खाने में बहुत ही लजीज लगती है। तो अब रेस्टोरेंट को की हो गई छुट्टी, अब घर में ही मिलेगी इतनी यमी दमदार सब्जी जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो हमने मिला लिया है, इसी के साथ ही हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप जिस हिसाब से पसंद करते हो तो वैसा डाल लें, मैं आधा ग्लास डालूंगी। तो हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। इसके साथ ही लास्ट में मैं डाल रही हूँ दोस्तों थोड़ा सा ये क्रीम है, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। मुझे पर्सनली इसका फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से चला लेते हैं हम, और चला के इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो इसे हम ढक देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं तो आप फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और सब्जी को 2 मिनट इसी तरह ढक के रहने दें। 2 मिनट बाद हम ओपन करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाओ, सुपर कलर और टेक्सचर से आपको साफ पता चल रहा होगा दोस्तों कि सब्जी हमारी कितनी ज्यादा लजीज बनी है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।